मध्य प्रदेश में लगातार लैब टेक्नीशियन अपनी 13 सूत्री मांगों को लेकर हड़ताल पर चले गए हैं। लगातार 8 दिन से हड़ताल पर चले जाने से जिला अस्पताल में पहुंचने वाले मरीजों को कई प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अपनी 13 सूत्रीय मांगों को सरकार से मनवाने के लिए लैब टेक्नीशियन हड़ताल के दौरान अलग अलग तरह से प्रदर्शन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसी कड़ी में शाजापुर में शुक्रवार को लैब टेक्नीशियन नारेबाजी करते हुए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को खून से खत लिखकर उनकी मांग पूरी करने की मांग की है। हमारी विगत 8 दिनों से लगातार हड़ताल चल रही है। आदरणीय मंत्री महोदय, मुख्यमंत्री महोदय, स्वास्थ्य मंत्री महोदय, अभी तक उन्होंने कोई आश्वासन भी नहीं दिया है। इसलिए हम समस्त लैब टेक्नीशियन आज अपने खून से उनको मांग पत्र भेज रहे हैं। जब तक मांगे पूरी नहीं होती तब तक जारी रहेगी। शाजापुर से दिलीप सौराष्ट्र की रिपोर्ट।